फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग मोबाइल में रिसाइकल बिन से सारे फोटो वीडियो को एक बार में कैसे डिलीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सैमसंग मोबाइल का गैलरी ओपन कर लेना और उसके बाद नीचे साइड राइट साइड कोने तरफ आपको यहाँ इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ रिसाइकल बिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका सारा रिसाइकल बिन का सारा फोटो वीडियो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो सारे को एक बार में डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई एक फ़ोटो या वीडियो पर आप अपने उंगली को थोड़ा देर दबा के रखना होगा। जैसे मैं अपने इस उंगली को एक वीडियो पर थोड़ा देर दबा के रखता हूँ, थोड़ा देर दबा के रखेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ऊपर साइड राइट साइड कोने तरफ आपको एक ऑल का ऑप्शन मिल जाता है और गोल साइकोन। तो आप इस ऑल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिए तो आपका सारा फोटो वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं अब रिसाइकल बिन में जितना भी फोटो वीडियो था वो सारा सेलेक्ट हो चुका है और सेलेक्ट होने के बाद आपको नीचे में आपको यहाँ डिलीट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है कोने साइड में। तो आप यहाँ डिलीट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप फिर यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इतना कर देंगे उसके बाद आपका सारा रिसाइकल बिन का फोटो वीडियो जो है कुछ देर में डिलीट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन का सारा फोटो वीडियो जो है वो डिलीट हो चुका है, अब रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सैमसंग मोबाइल के रिसाइकल बिन से सारे फोटो वीडियो को एक बार में डिलीट कर सकते हैं।